ये हो गए हैं तैयार बहुत मजेदार शिमला में चिकन बाइट्स। जरूर बनाइएगा टन टना टन वाले चिकन शिमला में चिकन बाइट्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू मानो किचन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। हम शुरू बनाने जा रहे हैं आज मानो किचन में शिमला में चिकन बाइट्स। और उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च, मैंने पीस के रखी है। इसके लिए 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 एग है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है 1 टीस्पून, गाजर है बहुत ज़्यादा बारीक करके। ये देखें आप लोग, ये मैंने कितनी बारीक करके कटिंग की है, देख रहे हैं ना, आपको पता चल रहा होगा ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक करके काटी है। तो इसी तरह आपने काटी है। और हमने लिए चिकन, चिकन को मैंने चॉपर में बहुत अच्छे से पीस लिया है। इसके साथ एक प्याज डाल के दरमियाने साइज की, ये 1 पाव कीमा है, इसमें एक दरमियाने साइज की प्याज डाल के मैंने इसको पीस लिया है। बहुत बारीक आपने पीसना है, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा आपने इसको पीसना है। ये शिमला मिर्च को हमने इस तरह रिंग में कटिंग किया है, ये देख रहे हैं आप। तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत मज़ेदार रेसिपी है, एंड तक रहिएगा मेरे साथ, ज़रूर देखिएगा रेसिपी को पूरा। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की जाने। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन में ये बारीक चॉप की हुई गाजर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आप इसे स्पून से करें, लेकिन हाथ से जो अच्छा मिक्स होता है ना, वो किसी भी चीज से नहीं होता। हम इसमें अंडा भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको मसालों को सारा मिक्स कर लें, फिर हम इसमें एक अंडा भी। ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अंडा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने इसको, असल में अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि हमारे हर हर बाइट में ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सिरके का और सोया सॉस का, और जो है जो एग जो है इसको बिल्कुल फिलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि वो उसको टाइट से फिलिंग कर देगा, वो उसकी फिलिंग बाहर नहीं गिरेगी। तो इसके लिए देखिए कितना अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा फ्राइंग पैन में, और उसके अंदर ये हम शिमला मिर्चों के जो रिंग हमने कट किए हैं इन्हें रख देंगे, और बहुत लाइट सी फ्लेम को ऑन रखेंगे। और ये जो हमने तैयार की हुई है फ्लेम, वो इसके अंदर अच्छे से
और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा पकने में, क्योंकि कीमा भी बहुत बारीक है और ये हार्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसे प्याज भी ग्राइंड किए साथ साथ, क्योंकि प्याज जो है मसाले को सॉफ्ट करती है कीमे को और उसका बहुत अच्छा सा जायका आता है। आप जब ये खाएंगे तो आप वाकई मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ये बच्चों के स्कूल में जाने के लिए भी आप ये बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। आप ना फ्राई करें, आप इनको ऐसा करें कि फ्रीज कर दें और ना बस बना के और फिर जल्दी जल्दी जब भी बच्चे खाना चाहें उनको फ्राई करके दे दें। बहुत अच्छी खीर और बहुत क्विक रेसिपी है, आप देखते होंगे तो मैं खाने को बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ, तो वो अच्छा लगता है, जल्दी से कुकिंग भी हो जाए और बहुत अच्छी कुकिंग हो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप लोग गलत ही कुकिंग करें, आप नहीं जो भी कुकिंग करता है। अब देखें ये बहुत अच्छे से पक रहे हैं, हम इनको थोड़ी देर में जब ये थोड़े से नीचे से पक जाएंगे तो हम इन्हें टर्न आउट कर देंगे। अब हम इसको कर देंगे, पलट देंगे इन्हें सबको। ये देखिए कितनी अच्छी सी शिमला मिर्च बन के रेडी हो रही है। ये देखिए ये मैंने सब पलट दिए थे, अब मैं इन्हें दोबारा से एक मरतबा और दूसरी साइड से कर रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं ये, और आप जब खाएंगे तो आपको टेस्ट में भी इतने ही मजे के लगेंगे। चले करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको। ये हो गए हैं तैयार बहुत मजेदार शिमला मिर्च चिकन बाइट्स, और ये देखें आप अगर ये बच्चों को भी लंच में बना के देंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके अंदर गाजर डली हुई है बारीक बारीक काट के, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चे गाजर वगैरह नहीं खाते हैं शौक से, तो इस तरह करके जब आप करेंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। ज़रूर बनाइएगा टन टना टन वाले चिकन शिमला में चिकन बाइट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।